रजनी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हम सभी लोग तुमको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सभी परेशान हैं। बस तुम जल्दी से ठीक होकर के आ जाओ हम सबके बीच में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी ले आई हूँ। स्टोरी क्या मैं पहले कभी तो नहीं लेके आई हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड की है। जो कि मेरी फ्रेंड ना अभी 20 तारीख में उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो इस टाइम एडमिट है और उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। तो प्लीज़ आप सभी लोग ईश्वर से प्रे करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मतलब मेरी सबसे ना बेस्ट फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, उसे जिससे हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ नहीं छुपाते, वो वाली फ्रेंड मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। और उसको ना बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई हुई है, यहाँ तक कि उसके जो ससुर जी थे वो तुरंत ही एक्सपायर कर रहे थे, और उसकी सासू माँ के कूल्हे की हड्डी टूट गई, उनका ऑपरेशन हुआ है। और इसके साथ ना उसके ब्रेन में चोट आई है, तो उसके ब्रेन की जो ये वाली हड्डी होती है ना, ये वाली बोन, तो यहाँ पर आ गया है क्रैक। तो इस टाइम वो मतलब बेहोशी की हालत जैसी है, देख सकती है पर बोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं बोल पा रही है। उसको बहुत सारी नली लगी हुई हैं, यहाँ तक कि उसका ब्रेन का ऑपरेशन भी हुआ है, बट अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके साथ में उसके जो हस्बैंड थे उनको भी काफ़ी सिर में चोट आई, तो उनको भी टाँके आके लगे हैं। और उनके जो हस्बैंड के कज़िन ब्रदर थे उनको भी चोट लगी हुई है, सारे लोग घायल हैं। अभी 20 जनवरी की बात है, तो काफ़ी सारा बहुत 19 जनवरी रात की बात है, ये लोग कहीं आए होंगे पार्टी में। तो पार्टी के बाद ना नाइट में इनको टाइम नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगी, तो ये लोग ना वापस जा रहे थे लखनऊ, औरैया से लखनऊ जा रहे थे हाईवे से होकर। जैसे ही लखनऊ में पहुँचे हैं, शायद सरोजनी नगर कोई जगह है लखनऊ में, वहाँ पर पहुँचे हैं, तो वहाँ पे रास्ते में उनका जाते समय एक्सीडेंट हो गया। इतनी ज़्यादा गंभीर चोट आई है उनको कि उनके ससुर जी का तो मतलब ऐसा हाल हुआ कि तुरंत ही एक्सपायर कर गए हैं। बट क्या हुआ, मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा वो मतलब इतना अच्छा हुआ कि उसको इलाज जल्दी मिल गया, तो वो इस टाइम मतलब तबीयत उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी लोग ईश्वर से प्रे करिएगा वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आप सभी लोग समझ सकते हैं, जब कोई अपना हो और दोस्त हो तो कैसा लगता है ना। तो आप, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे जब उसके हस्बैंड ने मैसेज डाला मेरे व्हाट्सएप पे कि हाय, तो मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने लिखा कैसी हो, तो मैंने लिख दिया बहुत बुरी हूँ। उनका भी रिप्लाई यही आया कि मैं भी बहुत बुरी हूँ। जब ऐसे कोई रिप्लाई करता है ना तो बड़ा ही ख़राब लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरी हस्बैंड मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड, मुझे नहीं मालूम था कि उसके हस्बैंड है मेरी फ्रेंड है। तो मैंने क्या किया, उनका रिप्लाई दिया कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में दिया कि कार एक्सीडेंट। तो मतलब जब मैंने ये सुना है ना, तो मेरे तो ये समझ लो होश उड़ गए, और मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि इसके तुरंत ही मैंने उनको कॉल बैक किया, व्हाट्सअप कॉल किया। तो मैंने जब उनसे बात की है तो मुझे पता चला कि अरे भगवान, इतनी ज़्यादा उसको चोट आई है, इतनी ज़्यादा चोट आई है। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरी फ्रेंड के लिए प्रे करिएगा। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात, इससे कोई मतलब नहीं है, बट ईश्वर तो सबका एक ही है ना, एक ट्रस्ट होता है ईश्वर पर, वो सभी का है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ आप सभी लोग प्रे करिएगा वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसका ऑपरेशन हुआ है, और लखनऊ में यहाँ रहती हूँ मैं, उसके पास मतलब जा भी नहीं पा रही हूँ, इतनी दूर पड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं फैमिली में से हूँ। अब भाई बच्चे भी हैं, हस्बैंड हैं, सभी लोग हैं, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। मैं मिलने भी उससे नहीं जा पाई हूँ। बस यही है कि हर पल में ईश्वर से यही प्रे करती हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और वो बस हम सबके बीच जल्दी से अच्छे से आ जाए, मेरी उससे बात हो जाए। मैं हर दिन बस यही सोचती हूँ कोई ऐसा मैसेज आए जिससे ये खबर मिले कि हाँ वो बहुत अच्छी है, बट उसके ब्रेन में ना काफ़ी सारी चोट आई। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता है। तो आप लोग, अगर सभी लोग एक साथ मिलकर के जब हम प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ये मैसेज भी जल्द ही मिलेगा कि वो ठीक है। और अभी तो वो लखनऊ में ही है, उसकी सिस्टर रहती हैं कानपुर में। जब वो आएगी यहाँ पर, उनके हस्बैंड बता रहे थे कि हम कानपुर हम लोग आएंगे कुछ दिनों बाद, जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उससे मिलने जाऊँगी, तो उसका मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी जो फ्रेंड है वो कैसी, और मैं उसकी ना डीपी लगा दूँगी कि वो किस कंडीशन में है इस टाइम। और उसकी कंडीशन ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसी कंडीशन है कि क्या बताऊँ, मतलब देख के दिल दहल जाता है, इतना ख़राब लगता है कि
समझ नहीं आता है क्या कहूँ और क्या करूँ और कैसे क्या करूँ। उनके उनके हस्बैंड इतने ज़्यादा इस टाइम तकलीफ़ में हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। अभी मैं उनसे बात करती हूँ ना तो बस उनका ना गला एकदम से रुंध जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, उनको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। और मुझे भी समझ में ये नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, मैं उनसे क्या कहूँ। ये मेरा ये सिचुएशन है कि कुछ ना तो कहने के लायक हूँ, ना समझाने के लायक हूँ, ना कुछ भी समझ ही नहीं आता है करूँ क्या। बस इतना मतलब अजीब लगता है कि काश कोई ऐसी जादू की छड़ी होती जो सब कुछ अच्छा हो जाता। बस उनको अब गिल्टी फील होता है कि अगर ऐसा जानते हम तो नाइट में नहीं निकलते। बट ऐसा नहीं है कि हादसे का कोई पता नहीं है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन बस मैं तो यही प्रे करूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ऐसा किसी के साथ भी ना हो, वो बस हम सबके बीच आ जाए जल्दी से ठीक हो करके। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जहाँ पर भी हैं किसी भी धर्म से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इतना प्रे कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए और हम सब उससे बात कर सकें और हम सब के बीच में हो। वो मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूँगा जिससे कि आप लोग समझ सकें इन चीज़ों को। और जिसकी कोई ना कोई फ्रेंड होगी वो तो समझ तो सकते ही हैं, सभी लोग समझ सकते हैं और सभी समझ भी रहे होंगे। बट ये है कि हम करें क्या, कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रकृति की जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जिनको लेकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं ना। और कहा जाता है दुआओं में बड़ा असर होता है, तो आप लोग अगर एक साथ मिलकर हम सभी लोग अगर प्रे करेंगे ना तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और इसका जो भी अपडेट होगा हम सब हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग ना प्रे ज़रूर करिएगा उसके लिए। और मैं नाच टहलने आई थी तो दो तीन दिन हो गए हैं मुझे उसकी खबर लगे हुए, तो मैं इधर साइड टहलने आई थी तो सोचा कि आप सबके साथ ना शेयर करूँ इस चीज़ को, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, आपका हेल्प साथ सपोर्ट सब होगा। और आप लोग इतने मतलब अच्छे हैं कि हर चीज़ का रिप्लाई भी देते हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो फैमिली के साथ सभी शेयर करते हैं, तो वही मैंने आपके साथ किया है। और प्लीज़ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ भी मत करिए, बस प्रे जरूर करिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल जरूर रखें, अपनों का ख्याल रखें, और जब भी आप ट्रैवल करें तो प्लीज़ सेफली करें, आराम से चलें। हम 2 मिनट लेट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकते हैं। हम अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं और सड़क पे चलने वाला हर एक रोड पे चलने वाला एक इंसान इंसान है। बट जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो केवल उनका बेटा ही मतलब होश में था, उसी ने सबको इन्फॉर्म किया है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि बेटा बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल अच्छा है, बस वो बहुत परेशान है कि मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए वो परेशान है। तो प्लीज़ आप सभी लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, प्रे करना है, और आप सभी लोग दिल से दुआ करिएगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये हादसा गया है 5:05 का है, जब वो लखनऊ पहुँचे हैं, नाइट में ही निकल गए थे ना, करीब 12:00 के बीच में निकले थे नाइट में, और 5:00 के टाइम में ये हादसा हुआ है उनके साथ में। तो और उस दिन ना रात में इतना कोहरा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो कोई भी आसपास था नहीं, और 5:00 का टाइम था मॉर्निंग का, तो इतने कोहरे में कौन बाहर होगा। बट उनके बेटे ने ही सबको इन्फॉर्म कर दिया, तो इससे अच्छा ये हुआ कि वो सभी लोग जल्द से जल्द आ गए और उनको ना ट्रीटमेंट जल्दी मिल गया। मेरी फ्रेंड जो है रजनी, उसका मैंने नाम भी आप सबको बता दिया, उसका नाम रजनी है। तो प्लीज़ आप सभी लोग प्रे करिएगा वो जल्दी से जल्द अच्छी हो जाए। ये है मेरी फ्रेंड रजनी जिसके साथ हादसा हुआ है, जो वीडियो मैंने आपके साथ किया है शेयर, उसकी अभी ये कंडीशन है तो आप लोग देख ही सकते हैं ना। हम सभी परिवार के लिए सब कुछ हैं, तो अपना ख्याल जरूर रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।